मेरे साथ बोलोगे सभी, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। आज आपको बिल्कुल अलग लग रहा हूं मैं, है ना। उसका कारण ये है कि आज वहां से उठाकर यहां लाकर खड़ा करने वाले बालाजी का एक आदेश आया है कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लेके आऊं और उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कि आप लोगों को पूरा का पूरा मैच बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर मिले और ये वीडियो मैं अपने जीते जी कभी डिलीट नहीं करूं, समझ रहे हो। और मैं आज पूरा रात सोया नहीं हूं, मेरे चेहरे से और मेरे हर चीज से आपको लग भी रहा होगा सुबह 5:37 हो चुके हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ये रिकॉर्डिंग होगा ओनली लाइव नहीं होगा। ज्यादा टाइम ना गंवाते हुए पॉइंट पे चलते हैं। स्क्रीन ध्यान से देखना सभी, मैं आ जाऊंगा आपके सामने स्क्रीन दिखाने के बाद। इनका आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दर्द है, युवाओं के दुख है, तकलीफ है, ठीक है। उसके बाद मैं फटाफट आपके टॉपिक पे चलता हूं और ये आप सिर्फ पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट लेके बाद में। इसके बारे में यहां बोल नहीं सकता हूं क्योंकि यहां पे टाइम नहीं है। मैथ्स का दर्द बहुत तकलीफ है युवाओं को। इस सीरीज में हम 100 वीडियो आपको देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है जो भी आपको दिख रहा है। इनका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ सभी। इसमें आपको सरप्राइज मिलने वाले हैं। 3 लेवल के सरप्राइज होंगे, 3 विजेता इसमें घोषित होंगे और सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। अब आ गए हम पॉइंट पे, एकदम जीरो से गणित शुरू करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनकी उम्मीदें यहां से पूरी होंगी। बच्चे नहीं, बच्चे वाले भी सीखेंगे गणित। आइए जनाब देखिए, यहीं से तो हम शुरू करते हैं और आपको हाई स्कूल लेवल तक का पूरा मैथ्स मिलेगा, इसमें मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। और मैं ये वीडियो कभी डिलीट नहीं करूंगा। आप चाहे लाइक शेयर करो या ना करो, कुछ ना करो, चलो। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, लेबल में कैटेगरी में मैंने बांट रखा है। ये 5 टाइप के हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, चाहे आप बच्चे हैं या आप बच्चे वाले हैं, दोनों के लिए है, ठीक है। चलो तो पॉइंट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। किसी का यहाँ कोई कमेंट वमेंट नहीं लेना है, ये कोई लाइव नहीं होगा। जिनको सीखना सिर्फ उनके लिए है, बात कोई फालतू नहीं, ओनली काम की बात। चलो इनको सभी जोड़ लेंगे। बचपन में ऐसे हम लोग सीखे थे, कैसे 7 में 3 जोड़ना है तो हम ऐसे 7 लाइन खींचते थे, है ना। 7 लाइन हो गया, इसमें 3 जोड़ना है, 3 लाइन साइड में खींचा, सबको गिन लिया। बचपन में ऐसे हम लोग जाते थे तो उंगली से खींचा खींचा के नीचे जमीन पे ऐसे जोड़ते थे। तो देखो जोड़ लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया 10। लेकिन अब इतने बड़े तो आप हो चुके हैं दादा जी से, अब तो आप जोड़ लेंगे, है ना। चलो तो 8 4 12 9 6 15 डन। ये है आपका रो मेथड। रो मतलब पंक्ति माध्यम में, ठीक है, जो ऐसे ऐसे बगल बगल में होता है, पंक्ति बोलते हैं रो इंग्लिश में। ये कॉलम मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसे नीचे ऊपर जोड़ते हैं, बगल बगल जोड़ते हैं, दोनों वही चीज है, सेम चीजें उसमें भी होती हैं, ठीक है। तो 6 4 10 और 9 5 14 7 5 12 और ये 4 3 7। ये दिखाता है कुरान, इतनी जल्दी जल्दी कर रहा हूं तो अरे इसमें है क्या, सबको पता है। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि जीरो से आपको सिखाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आज आपको सब कुछ अलग लग रहा होगा, है ना। मैंने सोचा क्या ही दिखाना आपको, अब मैं कपड़े बदल ही लेता तो क्या हो जाता, पढ़ने से तो मतलब है आपको। मैं जैसे भी रहता हूँ ना, मेरी एक गंदी आदत है ये, मैं बहुत ज्यादा वो चीजों पर ध्यान नहीं देता। बहुत से लोग कमेंट इसके बारे में कर रहे हैं, देख रहा हूँ। चलो आगे बढ़े, इनको जोड़ेंगे भैया कैसे, दो दो अंक के हैं। इसमें का लास्ट अंक पकड़ो, इसमें का लास्ट अंक, ठीक है, जोड़ लो। ये लास्ट अंक 1 है, ये 7 है, 7 में जुड़ेगा 8, दूर लिख देंगे थोड़ा सा। अब इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, भाई इधर से देखो पहला ही होगा ना, तो 3 और 1 4, बस हो गया खत्म। इसमें ऐसे कर लो जल्दी से फटाफट, चलो। इसमें का पहला अंक पीछे से, इसमें का पहला अंक, तो 4 3 7। इसका फर्स्ट डिजिट आगे से, इसका फर्स्ट डिजिट आगे से, तो 2 1 3। जिस पे चिन्ह लगा रहा हूं, देखते जाओ इसका आंसर खुद से बताओगे आप, कमेंट करोगे, ठीक है। चलो बाकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्टार्टिंग के जो स्लाइड थे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5000 का सरप्राइज मिलेगा, कैश लाइव बोल रहा हूं, फोन पे गूगल पे से, अगर आप इस सीरीज का साथ देते हैं। आपको सिर्फ उत्तर देना है, बस सही गलत से मतलब नहीं। चलो 3 2 5 7 4
ग्यारह कैसे जोड़ेंगे, सात में तीन जोड़ दो दस और एक बच रहा ग्यारह, सिंपल है ना, कितना आसान है। आठ चार ये सॉरी फोर और थ्री कितना हो जाएगा सेवन, एट वन नाइन, ये दोनों आप लोग खुद से कर लोगे, है ना, कितना आसान। ये सीरीज आपके लिए ना जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है, आप ही नहीं आप जैसे बहुत से युवाओं के। ये है आज का यक्ष प्रश्न, डेली के वीडियो में कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो कहीं भी हो सकता है, शुरू में लास्ट में बीच में, इसका जवाब आपको देना है। यही जिस दिन आप 25 क्वेश्चन बता लेंगे उस दिन आपको 500 रुपए मिलने वाला है जो सबसे फर्स्ट पे होगा, और जिस दिन 50 उस दिन 2000 और जिस दिन 100 क्वेश्चन पूरे पूरे हो गए 5000 रुपए मिलेगा। एकदम बोल रहा हूँ लाइव वीडियो के सामने, वीडियो में है, ठीक है, नहीं तो आ जाना प्रयागराज अगर झूठ हुआ तो। चलो आगे इनको जोड़ना है, लास्ट लास्ट के अंक जोड़ना है, इसका देखो चार है, इसका लास्ट अंक दो है, जोड़ लिया छह हो गया। अब भैया इनका दोनों का लास्ट लास्ट अंक जोड़ो, मतलब पीछे से ही दूसरा अंक, इसका पीछे से दूसरा अंक, तो एक और तीन कितना चार, इसका पीछे से दूसरा अंक जोड़ो भैया अगला तीसरा, ये चार है, इसका तीसरा अंक कितना दो है, तीन हो गया छह, और इसका पहला ठीक है तीन, और इसका एक चार, कंप्लीट। ऐसे कर लेंगे, ऐसे इधर में आ जाओ फटाफट जल्दी जल्दी से, 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म होना चाहिए। चलो चार एक पांच, तीन दो पांच, और ये तीन दो पांच, छह तीन नौ, है ना कितना आसान। अब बताओ गणित मुश्किल है नहीं ना, आंखों में नींद ना दिल में करार, ये मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, अगर मेरे जैसे आपको भी इससे मोहब्बत हो जाए ना सोओगे नहीं, आपको यकीन नहीं होगा कई रातें बीत जाती हैं, अभी आज भी सुबह हो गई है, मैं भी सोया नहीं हूँ, ऐसा नहीं मैं सोता ही नहीं हूँ, मैं दिन में सो लेता हूँ लेकिन रात में नहीं सोता हूँ, समझ रहे हो, तो लेकिन आपके जैसे उतना भी नहीं सोता हूँ दादा जैसे, मतलब घंटे दो घंटे, समझ रहे हो। चलो देखो इधर तीन इसको जोड़ेंगे कैसे, देखो चार दो छह और तीन है चार, और ये तीन है चार, और ये आठ चार बारह, हो गया ना खत्म, कितना बढ़िया है, मस्त है एकदम, समझ में आ रहा सबको। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो दोनों होमवर्क रहेगा, कर लेंगे ना, वैसे इसका लास्ट लास्ट अंक जोड़ेंगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट करना बताएंगे, इसमें नंबर पे कोई संपर्क नहीं करेगा, नंबर दिखेगा नहीं आपको, आप सिर्फ वीडियो में कमेंट करोगे यहाँ पे। चलो इसमें कैसे करेंगे भाई, इसमें अंक कम है ठीक है, पूरे पूरे नहीं है, समझना यहाँ पे, ये इसका लास्ट अंक ले लो एक, इसका लास्ट अंक ले लो तो तीन है चार, इसका लास्ट अंक ले लो दो, इसका लास्ट अंक एक तो हो गया तीन, इसका पीछे से तीसरा अंक, इसका पीछे से तीसरा अंक, तो तीन और पांच आठ, इसका चौथा अंक, इसका चौथा अंक, पांच चार नौ, अब कहेंगे इसका तो कोई अंक बचा ही नहीं, खत्म हो गया, अब क्या करेंगे भैया, बहुत आसान है, अब पता है क्या आसान है, अब इनकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं, तो जो बचा था इनको वैसे उतार देंगे, समझ रहे हो कि नहीं, ये जो बचा था इनको ऐसे इनके आगे उतार देंगे, बस खत्म खिलाड़ी, समझ रहे हो, कितना बचा था एक दो तीन, कमेंट करके बताना मुझे अगर कहीं कुछ गड़बड़ जा रहा है तो, ठीक है, नो डाउट, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ऐसे आप इनको कर लेंगे, इनमें दिक्कत आती है, पूरे पूरे अंक बराबर नहीं होते, आप लोग कहते हैं इतना तो कम है कैसे होगा, भाई साहब वही आंसर आएगा, जोड़ लो, देखो तीन है चार, तीन आठ, पांच नौ, एक दो तीन, वही आना चाहिए, अगर अलग आ गया तो मतलब उत्तर गलत है, वही आ रहा है, ये होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, डन, चलो बढ़िया, ये दोनों होमवर्क। मिक्स क्वेश्चन भैया, ये मिक्सचर वाली खिचड़ी बड़ी खतरनाक है, ए में ज्यादा गड़बड़ा जाता है, ऐसे जोड़ना अगल बगल में कैसे करेंगे, अगल बगल वाला थोड़ा दिक्कत करता है ना, देखो मैं बताता हूँ दिक्कत का समाधान, सबसे पहली वाली गिनती पकड़ोगे आप पैर पे, दूसरी की वाली पकड़ो 13 है ना, पीछे से लिखो तीन एक, बाकी छोड़ो कुछ नहीं, जाने दो हटाओ, इसमें क्या है तीन एक दो, तो तीन एक दो, ठीक है, ऐसे खींच दो भैया, बीच में ये अगड़ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जीरो लगा दो जिससे बैलेंस बना रहे, इनके नीचे कुछ नहीं है, वो जीरो लगा दो, अब बैलेंस बना है, जोड़ डालो फटाफट, तीन तीन छह दो आठ, एक एक दो एक तीन, आठ दो दस, हाफ एक, चार एक पांच, कितना हो गया 5038, ऐसे आप बगल वाला भी कर लेंगे, बताइए, देखिए कृपा हुई ना भगवान की,
दस मिनट मैंने कहा था और दस मिनट में मेरी स्लाइड भी खत्म हो गई, सब कंप्लीट हो गया कुछ सेकंड पहले ही। तो बस टारगेट आज के लिए इतना है, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, कुछ भी कहना है कमेंट करेंगे। धन्यवाद।